गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा बेटा हम लेसन नंबर 3 रीड कर रहे थे, द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसमें जो स्टेट आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, जो स्टेट आते हैं हमारे, हम पढ़ रहे थे पंजाब के बारे में, पढ़ा था हमने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। अभी हमने वेस्ट बंगाल में क्या पढ़ा था कि जो वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ वाई पीपल हेयर ग्रो राइस एंड जूट। जो यहाँ के लोग हैं वो क्या खेती करते हैं, राइस और जूट की। यानी यहाँ पर बेटा आइस लिखा हुआ है, आप इसको ठीक करेंगे, राइस लिखेंगे। ठीक है, फिर राइस और फिश यहाँ के लोगों का मुख्य आहार है। बंगालीज लोग मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। दुर्गा पूजा यहाँ का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। ठीक है, यहाँ के जो पुरुष है वो धोती कुर्ता पहनते हैं और स्त्रियाँ साड़ी पहनती हैं। आगे हम पढ़ेंगे असम के बारे में। रिवर ब्रह्मपुत्र हैड मेड असम वेरी फर्टाइल। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है बेटा वो असम को बहुत ही उपजाऊ बनाती है, यानी कि जो यहाँ धरती है इस रिवर के कारण बहुत ही उपजाऊ है। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स। और यहाँ की मुख्य फसलें जो उगाई जाती हैं वो कौन सी हैं, राइस एंड जूट। टी इज़ ग्रोन ऑन द लोअर स्लोप ऑफ द हिल्स। और जो चाय की खेती की जाती है वो कहाँ की जाती है बेटा, पहाड़ियों की ढलानों पर। ठीक है, जो नीचे की ओर आती हुई पहाड़ियाँ हैं उनकी ढलानों पर टी की खेती की जाती है। दिसपुर इज़ द कैपिटल। और यहाँ की राजधानी दिसपुर है, यानी असम की राजधानी दिसपुर। एंड गुवाहाटी इज़ द लार्जेस्ट सिटी। और गुवाहाटी यहाँ का बहुत बड़ा शहर है। द पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक असमीज। असामीज यानी कि जो यहाँ के लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, असमीज यानी कि जो हिंदी में बोलते हैं असमिया। ठीक है, दे सेलिब्रेट बिहू। और यहाँ के लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं, बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, उनका फेमस फेस्टिवल कौन सा है, बिहू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा के लोगों को आप देख रहे हो कि उनका रहन सहन, यानी कि देखते हुए पता चल रहा है कि वो किस प्रकार के लग रहे हैं। हम पढ़ेंगे द वर्ड त्रिपुरा मीन्स द थ्री वर्ल्ड्स। वर्ल्ड्स होता है संसार, यानी त्रिपुरा का मीनिंग होता है द थ्री वर्ल्ड्स। त्रिपुरा इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड बाय बांग्लादेश। जो त्रिपुरा है बेटा वो तीन साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी कि तीन तरफ से उसकी जो सीमा है वो क्या लगती है, बांग्लादेश की लगती है। यानी यह उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। द फोर्थ साइड शेयर्स ए कॉमन बाउंड्री विद असम एंड मिजोरम। और चौथे तरफ से यानी कि फोर्थ साइड से पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो इसकी बाउंड्री है वो कहाँ किससे जुड़ती है, असम और मिजोरम से। द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज अगरतला। यहाँ की जो राजधानी है वो कौन सी है, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, द मेन लैंग्वेजेस आर बंगाली एंड कोकबोरो। और यहाँ का जो यहाँ पर मुख्य रूप से भाषा बोली जाती है वो कौन सी है, बंगाली एंड कोकबोरो। कोकबोरो बेटा एक तिब्बती भाषा है। हट्स आर मेड ऑफ बैम्बू। और झोपड़ियाँ जो है वो किससे बनाई जाती हैं, बैम्बू से यानी बांस से। बैम्बू इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज। बैम्बू किस लिए यूज किया जाता है, टॉयज बनाने के लिए एंड हैंडीक्राफ्ट, और हाथ से बनी हुई चीजों को बनाने के लिए बैम्बू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, तो अभी हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा, आई लर्न यानी कि हमने पढ़ा, हमने समझा इस लेसन में, द नॉर्दर्न प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। जो नॉर्दर्न प्लेन है यानी उत्तरी मैदान है वो कहाँ तक फैले हुए हैं, पश्चिम में पंजाब से लेकर ईस्ट में पूर्व में असम तक। नेक्स्ट हमने पढ़ा द नॉर्दर्न प्लेन आर डिवाइडेड इंटू थ्री रिवर बेसिन। इसकी जो मुख्य रूप से तीन नदियां हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की, उनके बारे में पढ़ा, द सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। नेक्स्ट हमने इस नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर जो जो स्टेट आते हैं उनके बारे में पढ़ा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड द पार्ट ऑफ असम एंड त्रिपुरा आर इंक्लूडेड इन द नॉर्दर्न प्लेन। इन सभी स्टेट्स के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा। ठीक है बेटा, होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। हैव ए नाइस डे बेटा।